हम लोग दिल्ली रवाना नेतन मल्ले साहब। नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम बस वाला वोटर में आपका स्वागत है। मैं आज मौजूद हूँ खरगोन के बस स्टैंड पर, और ये जो भी बस है जो बड़वानी जा रही है, इसका मैंने टिकट भी ले लिया है और हम इस बस में यात्रा करेंगे। खरगोन लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण में जो 13 मई को मतदान होना है, उसको लेकर अब जो चुनाव का प्रचार है वो अपनी चरम सीमा पहुँच गया है। 6 मई को खरगोन जिले के सेगांव में राहुल गांधी की सभा, और उसके बाद 7 मई को खरगोन के नवग्रह मेला मैदान पर नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई है, उसके बाद पूरी तरीके से चुनाव माहौल बन गया। हालांकि जो खरगोन विशेष रूप से निमाड़ की गर्मी है वो खरगोन बड़वानी जिले में जमकर चल रही है। 8 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर ये लोकसभा क्षेत्र बना है। गर्मी के बावजूद भी अब धीरे धीरे जो है चुनाव का जो प्रचार है वो अपनी चरम सीमा पर है। हम बड़वानी जाली वाली एक बस में मौजूद है, हमारे साथ यात्री भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं, ये चुनाव है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और ज़्यादातर बात जो ये होती है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की जा रही है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं, और वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों का डेवलपमेंट या विकास होना चाहिए, तो दिल्ली से खरगोन इतनी दूर है कि वो विकास हो ही नहीं रहा है, और यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हमारी बात वहाँ दिल्ली तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। और यही हमारे लिए आवश्यक है कि अगर मान लो दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट हो गया, तो क्या खरगोन का विकास अपने आप हो जाएगा? क्या यदि समुद्र को हमको फिल्टर करना हो, तो खरगोन के कुएं में फिल्टर प्लांट लगाने से पूरा पानी फिल्टर हो जाएगा? नहीं, हर जगह का विकास आवश्यक है। असंतुलित विकास देश में अराजकता फैला देता है, इसलिए सभी देश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास होना अनिवार्य है, और वहाँ के स्थानीय मुद्दों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। मतलब स्थानीय मुद्दों की बात भी की जा रही है, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्थानीय मुद्दों की बात की जा रही है। रेल एक बहुत बड़ी यहाँ पर मांग है, सपना है लोगों, क्या मानते हैं आप? पिछले 10 साल से जो सरकार है वो निरंतर देश की प्रगति के लिए अग्रसर है। इस ज़िले में जो रेल की मांग है उसके लिए भी सरकार ने कुछ फंड पहले जारी करा है। अब नई सरकार आते से ही इस काम की ओर बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना कार्य करेगी। हम आशा करते हैं कि पिछले 10 साल में जो प्रगति हुई है उससे डबल प्रगति आने वाले सालों में होगी। मतलब प्रगति की बात की जा रही, रेल की भी बात की जा रही, युवा मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मतदान को लेके कितना उत्साह है, क्या बोलना चाहेंगे आप? बस खुश हुआ, पहली बार मैं वोट करने हूँ इस बार। अच्छा, तो पहली बार वोट करने जाएंगे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, आप क्या मानते हैं, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की यहाँ सभा हुई है उस जिसमें भीड़ उमड़ी थी, नरेंद्र मोदी ने खुद निमाड़ के लोगों का आभार व्यक्त किया, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, निमाड़ के लोगों का आभार है, और यही नरेंद्र मोदी जी को विश्वास भी है, क्योंकि आज से 5 साल पहले भी आए थे, उनकी जब सभा हुई थी और निमाड़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, इस बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, यह पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार के विकास की बात है, तो पिछले 5 सालों में बहुत सारा विकास हुआ है, परंतु जो हमने सभी ने पूरे देश ने 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, खरगोन की थोड़ी एक किस्मत यह रही कि हमें यहाँ पर दंगा भी झेलना पड़ा, और जिस प्रकार का हमें एक जनप्रतिनिधि चाहिए था वह एक हमें जनप्रतिनिधि मिला भी, जो हमें कोविड के उसमें भी और दंगे के उसमें भी हमें हर जगह हमें उनका उस जनप्रतिनिधि का सहयोग मिला। और जो दिल्ली में बात उठाने की थी इस, तो माननीय सांसद गजेंद्र पटेल ने रेल के मुद्दों पर, यह क्योंकि आदिवासी एरिया है, यहाँ पर कई सारे जगह पर मोबाइल टावर नहीं थे, तो उनके माध्यम से कई जगह यहाँ पर हर जगह मोबाइल टावर और यह चीज़ उपलब्ध कराए गए हैं। एक हम स्वास्थ्य की बात करें तो उन्होंने सिकल सेल जैसी एक खतरनाक बीमारी के क्या मुद्दे रहेंगे स्वास्थ्य शिक्षा और यह चीज़ बेहतर हुई है, और बस जो थोड़ी बहुत है तो वह भी हमें मोदी के ऊपर पूरा यकीन है कि तीसरी टर्म में वो पूरा कर देंगे, मोदी यह बोल करके गए तो हमें उनकी बातों पे पूरा यकीन है कि बिल्कुल वह तीसरी टर्म में खरगोन को एक नया विकास की गति प्रदान करेंगे। मतलब मोदी का मुद्दा भी चुनाव मुद्दा रहेगा, आप क्या मानते हैं, मोदी फैक्टर यहाँ काम करेगा क्या, जिस प्रकार से मोदी जी ने गारंटी भी लगातार दे रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा उससे क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिला, और एक जनता का विश्वास बढ़ा कि मोदी की गारंटी जो है वो निश्चित रूप से लागू होगी,
और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि सड़कों का विकास हुआ है, हाईवे का जाल बिछा है, जो सड़कें 10 साल पहले कांग्रेस शासनकाल में जर्जर अवस्थाओं में रहती थी वो अभी पक्के हाईवे के रूप में हो चुकी है। यहाँ पर नेशनल हाईवे निकल रहे हैं। मोदी जी की सभा भी हुई, राहुल गांधी की भी सभा हुई, तो क्या असर रहेगा इसका, चुनाव में असर रहेगा? देखिए, राहुल गांधी की सभा में भ्रांतियाँ फैलाने का काम किया गया कि आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि मोदी जी साफ कह चुके हैं कि मेरे रहते आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो कांग्रेस एक झूठ के झाड़ पे खड़ी है और उसके द्वारा वो चुनाव कैंपेन को प्रभावित करना चाहती है, मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि मोदी ने जो वादे किए हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे और उन्होंने जो आरक्षण पर बात कही है कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे और जो OBC का और इनका आरक्षण है उसमें से काट करके दे देंगे, तो ये इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। लोग नाराज़ है कांग्रेस से और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ बुरी तरह हारने की कगार पे पहुँच चुका है। क्या मानते हैं आप, क्या मुद्दे रहेंगे, जैसे राहुल गांधी का भी दौरा हुआ है? ये भैया जो कह रहे हैं मोदी जी, यहाँ बहुत बड़ा भ्रम फैला गए हैं कि OBC का आरक्षण काट के मुस्लिम समुदाय को दिया जाएगा। पहली बात तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, कहा गया है अल्पसंख्यक। अब ये OBC के आरक्षण के इतने ही हितैषी हैं, तो पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी की सरकार ने आरक्षण 27% किया था, इन्होंने पुनः भाजपा की सरकार बनते ही तत्काल प्रभाव से उसे वापस 14% पर ला कर टेक दिया। भाई साहब खुद OBC वर्ग से आते हैं, इनसे पूछिए कि 27 और 14 का मुद्दा हल हो गया क्या? रही बात आरक्षण, आदिवासियों को यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरक्षण हटाया जा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब परिवार में बैठ के कोई बात होती है तो निश्चित वो बाहर कहीं से न कहीं से आती है, और भारतीय जनता पार्टी के 5-5 वरिष्ठ सांसद मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं कि आप 400 पार आएगी और हम संविधान बदल देंगे। मतलब आरक्षण मुद्दा रहेगा, महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश में, क्योंकि मतलब आरक्षण भी मुद्दा रहेगा। और यहाँ पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया रही, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, क्या मानते हैं अभी चुनाव काफी महत्वपूर्ण है? चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर आएंगे तो मोदी जी ही। राहुल के भाषण में ऐसा कुछ लगा नहीं कि कांग्रेस सरकार आ सकती है, क्योंकि 10 साल में यहाँ इतनी प्रगति हुई है खरगोन शहर में कि मोदी ही आएगा। मतलब मोदी को लेकर महिलाएं के लिए यार बोल रही हैं, आप क्या मानते, क्या सोचते हैं, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है? चुनाव महत्वपूर्ण है और सभी को मतदान करना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि मतदान करें और इस चुनाव से जो भी परिणाम आते हैं वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और यहाँ से सांसद प्रत्याशी से मेरा निवेदन है कि यहाँ की मूलभूत समस्याओं को भी हल करें, जैसे रेलवे है, बाईपास है और जो भी डेवलपमेंट है खरगोन शहर के वो उन्हें किया जाए। जिस प्रकार से अभी जो मतदान हो रहा है, जो 3 चरण समाप्त हुए उसमें कम प्रतिशत है, तो क्या चिंता है आपको? बिल्कुल, ये चिंतनीय विषय है, इसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि मतदान सुनिश्चित करें, जो भी उसके लिए तरीके हैं वो अपनाएं। और मतलब मतदान होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? बहुत व्यापारी वर्ग से हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मतदान होना अच्छी बात है, मतदान में अगर आप लोग स्वयं नहीं जाएंगे तो उसके लिए प्रशासन क्या कर सकती है। परंतु मेरा निवेदन है उस दिन अपनी दुकानें मंगल रखें, अपने सारे कर्मचारियों को छुट्टी दें और उनके पास अगर ना कोई व्यवस्था हो तो अपनी स्वयं की गाड़ियाँ दें और उनके साथ उनको वहाँ पर मतदान डालने के लिए भेजें, ताकि सही आपका मत का उपयोग होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा महापर्व है, लोग मतदान की भी अपील कर रहे हैं, क्या मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव महिलाओं को लेकर, जिस प्रकार से दोनों पार्टियां प्रमुख दल है कांग्रेस और BJP घोषणाएं कर रही हैं, आप किससे प्रभावित है, क्या कहना चाहेंगे? मतदान तो होना ही चाहिए और इस बार का जो अपना चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगी कि मोदी सरकार ही होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार, क्योंकि मोदी सरकार में जो मुमकिन है वो मुझे नहीं लगता कहीं और मुमकिन है। इस बार खरगोन में राहुल गांधी, खरगोन जिले में राहुल गांधी की और मोदी जी की दोनों की सभाएं हुई है, लेकिन राहुल गांधी जी को जो सुनने गए वो एक सेलिब्रिटी को देखने गए, क्योंकि राहुल गांधी भी तो पप्पू है ना, आखिर सेलिब्रिटी है, देखने तो जाना ही है उसको। पर मोदी जी वो है, वो हमारा गर्व है, हम उनको सम्मान से और गर्व के साथ सुनने गए थे
और ये होना भी चाहिए क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा और करेगा ही, और इस बार मैं तो कहूंगी 400 पार। मतलब मोदी फैक्टर की भी बात की जा रही है, ये लोग अपनी अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले आज राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और झूठ का पुलिंदा बने हुए हैं। सनातन को गाली दी है कांग्रेस ने, उनके अलायंस में जुड़े हुए दलों, कल ही रामगोपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर बेकार का बना हुआ है, तो इनसे सनातन धर्म को बहुत आहत होती है और हिंदू धर्म कभी भी इन्हें वोट नहीं डालेगा। मोदी जी निश्चित रूप से 400 पार सीट लेकर आएंगे। मतलब राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा चुनाव? राम मंदिर का मुद्दा निश्चित ही रहेगा, राम हमारे आराध्य है, राम सेतु भी आराध्य है। मतलब क्या आप क्या मानते हैं ये चुनाव, व्यापारी वर्ग से क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी वर्ग से तो बहुत बढ़िया है, ये एक देश का टर्निंग पॉइंट है, ये चुनाव बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है देश के लिए, मोदी ने आना ही चाहिए। मतलब टर्निंग पॉइंट भी लोग बता रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव महत्वपूर्ण है, ये जब तय होगा, जब हमारा मतदान का प्रतिशत कम से कम खरगोन का 80% होगा, अगर मतदान का प्रतिशत कम रहता है तो ये माना जाएगा कि लोगों का राजनीति के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति रुझान कम हो गया है। जनप्रतिनिधियों को अपने ऐसे कर्म करना होंगे, ऐसे जन समस्याओं को उठा के उन्हें पूर्ण करना होगी, जिससे लोग स्वतः ही उनको वोट देने के लिए जाएं। जहां तक रेल की समस्या की बात है तो पिछले 40 सालों में रेल खरगोन के लिए समस्या नहीं है, सिवाय नेताओं के द्वारा चुनाव में वोट मांगने का एक मुद्दा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। मतलब रेल को चुनावी मुद्दा भी मान रहे हैं कि नेता लोग इसको रेल को मुद्दा बनाए रखें, और रेल का जो लोग रेल की हर कोई चाहता है कि रेल की सुविधा खरगोन बड़वानी जिले को मिलना चाहिए, आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से जो लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग आ रही है, चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? चुनाव राष्ट्रीय स्तर का है तो मुद्दे राष्ट्रीय होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर कुछ कमियाँ हो सकती है तो उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन यह जो चुनाव है राष्ट्र के निर्माण का और राष्ट्र की प्रगति का है, देशभक्ति का है, तो उसके लिए वह सबको वोट करना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मोदी जी को जिताएंगे तो जो पिछले 10 साल का विकास दिख रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का गौरव बढ़ाया मोदी जी ने, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो भारत के झंडे के तले पाकिस्तान जैसे भारत देश के विरोधी लोग भी उसी झंडे के अंदर से निकल के आए हुए, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा मोदी जैसा हमारा नेता, तो हमको उनको जिताना पड़ेगा। मोदी चुनाव में बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया, आप क्या मानते हैं चुनाव को लेकर? मोदी जी ने कहा कि ये ट्रेलर है, तो बड़ा रोमांचित होता हूँ मैं कि आगे आने वाले समय में और भी बड़े कार्य होंगे। साथ ही यह पहली बार देखने में आ रहा है कि हिंदुओं का समर्थन में कोई बड़े मंचों से बात चल रही है, अभी तक 80 वर्षों तक मुसलमानों के समर्थन में बात चलती थी, अल्पसंख्यकों के समर्थन में बात चलती थी। मैं हिंदू आदमी हूँ और यदि मेरे समर्थन में कोई बोलेगा तो मेरा सीना चौड़ा होगा। तो मतलब ये मुद्दे क्या रहेगा, ये रहेगा सनातन का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल 1000% मुद्दा रहेगा, मतलब सनातन का मुद्दा भी रहेगा चुनाव में। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया, अपनी अलग अलग बातें, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र की प्रगति और विकास की जो बात करें वो सरकार को आना चाहिए मेरा, मतलब राष्ट्र की प्रगति और विकास की जो बात करें वही सरकार को आना चाहिए। मतलब राष्ट्र की प्रगति और जो विकास की बात करें उसी सरकार को आना चाहिए, लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, जिस प्रकार से खरगोन में 13 मई को मतदान होना है, लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, लोग मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं, प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि लोगों को भीषण जो गर्मी है उसको लेकर सुविधा उपलब्ध कराएं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है निर्णायक चुनाव भी लोग बता रहे हैं, या मोदी फैक्टर की बात की जा रही है, सनातन धर्म की भी बात की जा रही है, धारा 370 की मध्य बात की जा रही है, और जिस प्रकार से खरगोन जिले के सेगांव में राहुल गांधी का दौरा हुआ और उसके बाद जो मोदी का दौरा हुआ, और जिस प्रकार से लोगों ने जो मुद्दे आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ लोग स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सफेद सोना का गढ़ है, तो लोग चाहते हैं कि उद्योग धंधे हो, पलायन बंद हो। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन।